आपने ऐसी कई विदेशी चीजों के बारे में तो सुना ही होगा जिन्हें भारत में बैन किया गया है, मगर आज हम उन चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो विदेशों में तो बैन हैं, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये हैं भारत में बिकने वाली वो चीजें जिन्हें खतरनाक मानकर विदेशों में बैन किया जा चुका है। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय साबुन। संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफ बॉय बैन है क्योंकि इसे त्वचा के लिए हानिकारक साबुन माना जाता है। हालांकि लोग इसका इस्तेमाल कुछ खास जानवरों को नहलाने के लिए करते हैं, वहीं भारत में ये साबुन आपको ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाएगा। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक। रेड बुल को फ्रांस और डेनमार्क में बैन है। लिथुआनिया में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए इसके उपयोग पर भी प्रतिबंध है। इन देशों के संबंधित विभागों का मानना है कि ये ड्रिंक दिल का दौरा, डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती है, लेकिन भारत में आप इस ड्रिंक को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। डिस्प्रिन। भारत में लोग सिर दर्द होने पर तुरंत डिस्प्रिन खा लेते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे ना उतरने के कारण अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। कीटनाशक। 60 से भी अधिक हानिकारक कीटनाशकों को जैसे DDT, एंडोसल्फान और कई अन्य को विदेशों में बैन कर दिया गया है। ये कीटनाशक पौधों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। इस कारण विदेशों में इनका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन भारत में इन्हें खुले आम बेचा जा रहा है। बिना पाश्चरीकृत दूध। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बिना पाश्चरीकृत दूध का उपयोग प्रतिबंधित है क्योंकि इसमें खतरनाक रोगाणु होते हैं जो गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भारत में ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। जेली स्वीट्स। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इनकी बिक्री पर पूरी तरीके से बैन है। इन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि इनसे बच्चों में दम घुटने के मामले सामने आए हैं, लेकिन भारत में बच्चों की इन तक आसानी से पहुंच है। निमोलिड। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई देशों में इस पेन किलर पर आधिकारिक रूप से बैन है क्योंकि ये लीवर के लिए हानिकारक है, मगर भारत में ये आसानी से उपलब्ध है। डी कोल्ड टोटल कोल्ड मेडिसिन। डी कोल्ड टोटल को किडनी के लिए हानिकारक कहे जाने के बाद कई देशों में बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में इसका विज्ञापन आपको हर जगह मिल जाएगा। ऑल्टो 800। भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ऑल्टो कार किसी सपने से कम नहीं है। हालांकि ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट पास करने में विफल रहने के बाद कई देशों में ऑल्टो पर बैन लगा दिया गया है। किंडर जॉय। अमेरिका में इसे बच्चों की सेहत के लिए काफी खतरनाक बताया गया है और वहां इसकी बिक्री पर रोक भी लगा दी गई है। यही नहीं, अगर आप इसे US में अपने साथ ले जाते हैं तो आप पर प्रति किंडर जॉय के हिसाब से 186,349 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में ये बच्चों के सबसे फेवरेट हैं।